नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुषमा स्वराज का पाकिस्तान को करारा जवाब, पीओके भारत का हिस्सा, वीजा के लिए पाकिस्तान की सिफारिश जरूरी नहीं। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, भारत ने भी दिया कड़ा जवाब। कश्मीर की तर्ज पर कर्नाटक भी अलग झंडा चाहता है, झंडे के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन। गुजरात में औसत से 24% अधिक बारिश, वर्षा जन्य हादसों में 65 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में अधिकारी ने मोबाइल के इस्तेमाल से रोका तो सैनिक ने मेजर को गोली मारी। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने नामांकन भरा, अन्ना द्रमुक तेदेपा मुलायम ने किया नायडू का समर्थन। राज्यसभा में दलितों का मुद्दा नहीं उठाने देने से नाराज मायावती ने दी इस्तीफे की धमकी। उपराष्ट्रपति चुनाव में बदले समीकरण, बीजू जनता दल करेगा गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन। स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी के दक्षिण कोलकाता स्थित घर पर हमला एवं तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप, तीव्रता 7.8। अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी। सीरिया में कुर्द अलगाववादियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आत्मघाती हमला, 4 मरे। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।